हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि इंडिया के अंदर मोस्टली स्मार्टफोन रेडमी के ही सेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी खासी फीचर्स दी जाती है, जिसके कारण रेडमी का स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट रेडमी स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको 20,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर आपको रेडमी का ये स्मार्टफोन बाय करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। साथ ही ये सारे स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी धमाकेदार फीचर्स के साथ में लेस है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G की मोस्ट पावरफुल चिपसेट मिलेगी, जहाँ पर आप प्राइसेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल की गेमिंग कर पाएंगे। इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबल लेवल की कैमरा, 67W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं फोर्थ नंबर स्मार्टफोन से, जो कि आता है रेडमी की तरफ से नोट 10 प्रो। आई नो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना जरूर से हो चुका है, बट अभी भी आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। साथ ही यहाँ पर 1200 की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिस्प्ले आज की डेट के अकॉर्डिंग भी आपको टॉप नॉच वाली देखने को मिल जाएगी। बिल एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम एंड ग्लास बैक पैनल के साथ में आती है, तो यहाँ पर आपका इनहैंड फील जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5020mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है, जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। परफॉर्मेंस की बात करिए तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट के साथ में आती है, जो कि 8nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आप प्राइस की अकॉर्डिंग जो है कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे, उसमें आपको कुछ खास इशू देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आप डे-टू-डे टास्क काफ़ी आराम से कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इस डिवाइस में आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। और वहीं अब बात करिए इसके कैमरा की, तो यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस आज के डेट के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। यहाँ पर मेन सेंसर जो है 64MP की दी गई है, इसके अलावा 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है, और आपको बाकी के जो 5MP की लेंस एंड 2MP की एक और सेंसर दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16MP की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी, और वहीं आप रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो आपको आज के डेट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कुछ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और वहीं अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट की स्कैनर दी गई है, इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर इन द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही अच्छी बात है कि आपको 2+1 microSD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप सिंगल टाइम में जो है 2 SIM कार्ड प्लस 1 microSD कार्ड यूज़ कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात करिए तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को फिलहाल के टाइम में जो है 6GB+128GB के साथ 16,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंडर 15,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आज के डेट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है, आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन की, जो कि आता है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी कमाल की फीचर्स दी गई है। इसका डिस्प्ले साथ ही आपको डिजाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा। साथ ही अच्छी बात है कि एक 5G स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको स्मूथनेस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गेमिंग के लिए 360Hz की टच फ्रेम रेट दी गई है, और ये डिस्प्ले 1200 nits पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है, और वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करिए इसके बिल एंड डिजाइन की, तो ये स्मार्टफोन ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है। साथ ही इसका डिजाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा, यानी कि इसका डिजाइन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर IP53 की रेटिंग दी गई है, तो ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत पानी में भीगता भी है तो इसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.1mm है, और वहीं इसका वेट करीब 202 ग्राम है, तो ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। और वहीं अब बात करते हैं इसके पावर की, तो ये स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ में आती है, जिसे चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 695 पावरफुल चिपसेट के साथ में आती है, जो कि 6nm बेस्ड है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है ठीक वाली देखने को मिलती है, यानी कि आप यहाँ पर कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। और ये स्मार्टफोन अच्छी बात है कि टोटल 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है टोटल ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन कैमरा जो है 108MP का मिलता है। इसके अलावा 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP की एक और मैक्रो लेंस दी गई है।
साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर जो है प्राइस की कोनी आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ऑन पेपर यहाँ पर हार्डवेयर काफ़ी अच्छी वाली यूज़ किया गया है, बट ऑप्टिमाइजेशन में आपको कमी देखने को मिल जाती है। साथ ही आप इस डिवाइस के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से ओनली 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। यहाँ पर ये लिमिटेशन इस डिवाइस में जो लगा हुआ चिपसेट है उसका है। साथ ही अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट की स्कैनर दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और वहीं डुअल स्टूडियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। और नॉर्मली देखा जाए तो रेडमी का स्मार्टफोन का डुअल स्टूडियो स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है और ये स्मार्टफोन हाइब्रिड सिम स्लॉट ऑप्शन के साथ में आती है, यानी कि आप एट ए टाइम 2 SIM कार्ड यूज़ कर पाएंगे या फिर आप सिंगल सिम कार्ड प्लस आप 1 MicroSD कार्ड यूज़ कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात करिए तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को जो है 6GB+128GB के साथ करेंट टाइम में 21,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आए दिन जो है ऑफर्स वगैरह चलते ही रहते हैं, जिससे अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इस डिवाइस को इजिली 20,000 के नीचे के प्राइस पॉइंट पर बाय कर पाएंगे। सो ही दोस्तों, अगर आपको इस प्राइसिंग में बेस्ट डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट चाहिए, साथ ही कमाल की डिजाइन चाहिए, तो आप इस डिवाइस को चेकआउट कर सकते हैं। सो ही गाइस, बढ़ते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर, जहां पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी वाली दी गई है, साथ ही अदर फीचर्स भी आपको काफ़ी कमाल के मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पर जो है 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz पैनल के साथ में आती है। साथ ही HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है, और वहीं गेमिंग के लिए यहाँ पर भी 360Hz का टर्न सेपरेट देखने को मिल जाएगी। और ये भी डिस्प्ले 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है, तो आप इस डिवाइस को भी हार्ड सनलाइट में काफ़ी आराम से यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन अच्छी बात है कि ग्लास बैक पैनल के साथ में आती है, जहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको IP53 की रेटिंग दी गई है। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.3 mm है और वहीं इसका वेट करीब 207 ग्राम है, तो ये डिवाइस आपको यूज़ करने में थोड़ा सा हैवी फील होगा। बैटरी की बात करें तो ये स्मार्टफोन 5160mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ में आती है, जिसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको सेम 67W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। तो अब बात करिए इसके चिपसेट की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 920 का पावरफुल चिपसेट मिलता है जो कि 6nm बेस्ड है। प्राइस की कोड यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी वाली निकाल के दे देगा। साथ ही ये स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको कैमरा के एस्पेक्ट्स देखा जाए तो ऑन पेपर काफ़ी कमाल की दी गई है, बट कैमरा की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसेंट वाली मिलती है। ये स्मार्टफोन ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन कैमरा जो है 108MP का मिलता है। इसके अलावा 8MP की अल्ट्रा एंगल लेंस एंड 2MP की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। इस डिवाइस के आप रियर कैमरा से अच्छी बात है कि 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, और वहीं आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट की सेंसर दी गई है। साथ ही ये भी स्मार्टफोन डुअल स्टूडियो स्पीकर्स को सपोर्ट करती है, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस की भी सपोर्ट दी गई है। और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आती है, और यहाँ पर आपको जो है 2+1 MicroSD कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। प्राइसिंग की बात करिए तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को जो है करंट टाइम में 6GB+128GB के साथ करीब 25,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेल का वेट करेंगे, जैसा कि फ्लिपकार्ट सेल काफ़ी जल्द आने ही वाली है, उस सेल में अगर आप इस डिवाइस को बाय करेंगे तो आराम से आप इस डिवाइस को जो है कार्ड ऑफर्स वगैरह यूज़ करने के बाद 20,000 से 21,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस, अच्छी खासी डिस्प्ले, और वहीं आपको काफ़ी कमाल के स्टूडियो स्पीकर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब लास्ट में बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन की, जो कि आता है Xiaomi 11 Lite एनी 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस सुपर स्लिम एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आती है, साथ ही इसका वेट भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको दूसरे फीचर्स भी काफ़ी धमाकेदार दी गई है, साथ ही यहाँ पर आपका कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इसके भी फ्रंट से, तो यहाँ पर जो है 6.55 इंच की एक 10 bit वाली फुल एच डी प्लस की OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और यहाँ पर HDR10 प्लस की सपोर्ट दी गई है, साथ ही ये डिस्प्ले 800 nits पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है, और वहीं गेमिंग के लिए 240Hz का टच रेट दिया गया है। साथ ही COG5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपीरियंस रियली काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करिए इसके डिज़ाइन की, तो ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आती है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी बात है कि ग्लास बैक पैनल दिया गया है, जिसका इनहैंड फील आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। साथ ही इसका थिकनेस करीब 6.8mm है, और वहीं इसका वेट ओनली 158 ग्राम है, तो ये स्मार्टफोन सुपर लाइटवेट डिजाइन के साथ में आती है। साथ ही यहाँ पर भी अच्छी बात है कि IP53 की रेटिंग दी गई है। तो अब बात करते हैं इसके बैटरी की, जैसा कि ये स्मार्टफोन सुपर स्लिम डिजाइन के साथ में आती है, जिसके कारण यहाँ पर ओनली 4250mAh की बैटरी दी गई है,
जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करिए इसके मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस में निराशा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ में आती है जो कि 6nm बेस्ड है। तो परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वाली निकाल के दे देगा। साथ ही स्मार्टफोन अच्छी बात है कि टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको कैमरा भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर वाली दी गई है। ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल की दी गई है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है, और वहीं फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। इस डिवाइस के आप रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, साथ ही आप फ्रंट कैमरा से जो है 1080p 60fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस देखिए तो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है, जहाँ पर डिटेलिंग हो, डायनेमिक रेंज हो, साथ ही आप लो लाइट में भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी फोटोज निकाल पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आती है, बट फिर भी यहाँ पर आपको साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का ही सेंसर दिया गया है। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है, और इन द बॉक्स यहाँ पर भी एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको सोमी की तरफ से 3 सालों तक जो है एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, और वहीं आपको 4 सालों तक जो है सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करिए तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को फिलहाल के टाइम में 25,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, लेकिन अगर आप करेंट टाइम में कोई भी बैंक कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इस डिवाइस को सेल में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको 20 से 21,000 के प्राइसिंग में काफ़ी आराम से देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में सोमी की तरफ से कैसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर स्लिम हो, कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आए, और वहीं आपको कैमरा की परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिले, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ये दोस्तों ये था रेडमी की तरफ से टॉप 4 बेस्ट कमाल के स्मार्टफोन्स जो कि 20,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाती है। वैसे आपको इनमें से जो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा, आप हमें जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।